हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं डिलीशियस कैरेट केक। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम कुकर को प्रीट करेंगे। मैंने इसमें नमक और स्टैंड लगा दिया है और कुकर की सीटी और रिंग निकाल दी है। अब हम इसे 10 मिनट तक प्रीट करेंगे। यहाँ मैंने बोर्ड को ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। अब हम दूध में विनेगर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। अब हम एक बाउल में तेल और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। यहाँ हमारा दूध भी फट चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम विनेगर का दूध बैटर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस बार ऊपर छन्नी रखेंगे और छन्नी में हम मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और दालचीनी पाउडर ये सब छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। लास्ट में हम इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर और किशमिश डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे मोल्ड में भरेंगे। मोल्ड में भरने के बाद हम इसे थोड़ा टैप कर लेंगे और प्रीट हुए कुकर में रखेंगे। अब हम इसे 30 मिनट मीडियम फ्लेम में बेक होने देंगे। टाइम हो गया है, अब हम केक को चेक करेंगे। टूथपिक बिल्कुल साफ आई है, हमारा केक रेडी है। अब हम इसे 5-10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। केक ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के बाद हम इसे कट करेंगे। ये बड़े आसानी से कट हो रहा है क्योंकि ये बहुत स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। हमारा कैरेट केक तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।